लोग क्या यहाँ ताली बजाने के लिए आए हैं क्या? भारत की सनातन आस्था का सम्मान होना चाहिए और आस्था का सम्मान कावड़ यात्रा से होगी। हमारा सनातन धर्मावलंबी किसी को छेड़ता नहीं है, तो शासन दमदार तरीके से चलेगा और उस दमदार तरीके से चलाना सिखाएंगे। देश में आगामी लोकसभा चुनावों को देखते हुए सभी पार्टियां अपने प्रचार प्रसार में जुट गई हैं। इसी बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने सनातन धर्म से जुड़ी कई बातें जनता के साथ साझा की। उन्होंने कहा कि पहले किसी भी राज्य में कांवड़ यात्रा नहीं निकाली जाती थी और आज शांतिपूर्वक तरीके से कांवड़ यात्रा निकाली जाती है। साथ ही उन्होंने कहा कि हम किसी को कष्ट देने नहीं आए हैं, हम तो समाज को संतुष्ट करने आए हैं। पहले दंगे होते थे, आज दंगा नहीं है। दंगों के कारण कर्फ्यू लगता था, आज कर्फ्यू नहीं है। आज तो कावड़ यात्रा निकल रही शानदार तरीके से। पहले कावड़ यात्रा इसलिए नहीं निकलती थी कि कुछ लोगों को कष्ट होगा, कुछ लोगों को कष्ट होगा। हमने कहा कि भी देखो, हम किसी को कष्ट पहुंचाने के लिए नहीं आए हैं, हम तो समाज को संतुष्ट करने के लिए आए हैं और समाज की संतुष्टि यह है कि आस्था का सम्मान होना चाहिए। भारत की सनातन आस्था का सम्मान होना चाहिए और आस्था का सम्मान कावड़ यात्रा से होगी। हमारा सनातन धर्मावलंबी किसी को छेड़ता नहीं है, शांतिपूर्ण तरीके से सौहार्दपूर्ण तरीके से जीवन यापन करना चाहता है। कावड़ यात्रा का जब निर्णय था, बहुत कठिन निर्णय था, क्योंकि इससे पहले पैन था, कोई राज्य नहीं निकालने दे रहा था और ये सब चीजें तय थी पहले से, एक लिखित डॉक्यूमेंट बना हुआ था, उसके अनुसार सब लोग उसको केवल लागू करते थे। हमने कहा भी क्या है, क्या बैठक हुई? उन्होंने कहा साहब बैठक हो गई। अरे हमने कहा हुआ क्या, क्या तय हुआ? कहा सब कावड़ यात्रा नहीं निकल पाएगा। तो मैंने कहा फिर हम लोग क्या यहां ताली बजाने के लिए आए हैं क्या? हम यहां भजन गाने के लिए नहीं आए हैं, भजन गाने के लिए हमारा मठ है, हमें जब गाना होगा मठ में जाएंगे। शासन में आए हैं तो शासन दमदार तरीके से चलेगा और उस दमदार तरीके से चलाना सिखाएंगे। जिसको काम करना होगा हमारे साथ काम करेगा, जिसको काम नहीं करना होगा वो छुट्टी लिख के दे, मैं भी सैंक्शन करता हूं, जीवन भर के लिए छुट्टी कर दूंगा। लेकिन मेरी डिक्शनरी में ना शब्द नहीं होगा। हमें निकालना है तो निकालना है। कावड़ यात्रा यूपी के अंदर निकलेगी, चाहे अन्य राज्य स्वीकृति दे न दे, यूपी के अंदर हम निकालेंगे। लोगों ने कहा करोड़ों लोग आएंगे, मैंने कहा ये तो और अच्छा अवसर है, और अच्छा अवसर है अपने आप को साबित करने का कि हम करोड़ों लोगों को शांतिपूर्ण तरीके से, और हमने किया करके दिखाया। हमने देखा होगा कावड़ यात्रा भी शानदार तरीके से चली, कुंभ में 24 करोड़ लोग आए, श्रद्धालु आए, तिनका नहीं हिला। अभी अयोध्या में लगभग 1.5 करोड़ श्रद्धालु दर्शन कर रहे हैं, कर चुके हैं। कितना शांतिपूर्ण तरीके से दर्शन चल रहा है। जो जा रहा है नहीं अयोध्या में अभिभूत तो हो ही रहा होगा ना। अब उसको लग रहा है ना ये अयोध्या है, एक वोट ने ये चेंज लाया है। बहनों और भाइयों, आज वही कहने के लिए मैं आया हूं कि सबसे पहला काम, आप सभी लोग समाज का नेतृत्व करते हैं, समाज को अपने अपने सेक्टर में नेतृत्व प्रदान करते हैं, आपकी जिम्मेदारी बनती है लोगों को लोकतंत्र के प्रति जागरूक करके वोट डालने के लिए प्रेरित, स्वयं भी हो और लोगों को करें भी।